नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में, आपके साथ में हूं प्रियंका। दोस्तों रोहित शर्मा फिट हो चुके हैं और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इंग्लैंड में वो टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। वे बता दें कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वो T20 और वनडे सीरीज में कमाल दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का दिन रोहित शर्मा के लिए बेहद ही ज्यादा खास है, क्योंकि रोहित शर्मा आज की तारीख को शायद ही क्रिकेट करियर में कभी भूल पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की तारीख रोहित शर्मा के लिए इतनी ज्यादा खास क्यों है, तो बता दें कि आज ही के दिन साल 2019 में रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में शतकों का रिकॉर्ड बनाया था। वो एक सीजन में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। इसके साथ ही उन्होंने कुमार संगकारा के 2015 वर्ल्ड कप में एक सीजन में 4 सेंचुरी बनाने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था। यही नहीं, रोहित ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड करियर में 6 शतक बनाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली थी। बता दें कि रोहित शर्मा ने साल 2019 में 5 शतकों के अलावा साल 2015 वर्ल्ड कप में भी 1 शतक बनाया था। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने 2 बार 1 वर्ल्ड कप, 2 देशों के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। बता दें कि सचिन ने 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका और कीनिया के खिलाफ शतक जमाया था। तो वहीं साल 2011 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ा था। इसके अलावा 1999 में कीनिया के खिलाफ और साल 2003 में नामीबिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। बता दें दोस्तों कि साल 2015 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के अब तक के वर्ल्ड कप करियर का सबसे अच्छा रहा है। इस वर्ल्ड कप में वो 81 के एवरेज से 648 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे थे। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 शतक लगाए थे। रोहित का पहला शतक इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 144 गेंदों में 122 रन बनाए थे। इस पारी में रोहित शर्मा ने 13 चौके और 2 छक्के जड़े थे। बता दें कि रोहित की इस पारी की बदौलत ही टीम इंडिया ने 228 रन के टारगेट का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी। तो वहीं रोहित शर्मा का दूसरा शतक पाकिस्तान के खिलाफ था। इस मैच में उन्होंने 113 गेंद पर 140 रन की शानदार पारी खेली थी और इस पारी की बदौलत ही टीम इंडिया 336 रन का टारगेट खड़ा करने में कामयाब हुई थी। बता दें कि इस मैच में उन्होंने वनडे में अपनी सबसे तेज 50 जड़ी थी। इसके बाद महज 85 गेंदों में रोहित शर्मा ने शतक ठोका था। बता दें कि रोहित शर्मा ने इसके बाद 2019 वर्ल्ड कप का तीसरा शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था। उन्होंने 109 गेंद पर 102 रन बनाए थे। अपनी इस पारी में उन्होंने 15 चौके भी जड़े थे। हालांकि भारत ये मुकाबला हार गया था और ग्रुप स्टेज में भारत ये इकलौता मैच हारा था। और इसके बाद रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ तूफानी शतक ठोका। उन्होंने 92 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्कों के दम पर 104 रन बनाए। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 133 गेंदों पर 103 रन की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में रोहित शर्मा ने 14 चौके और 2 छक्के जड़े थे। तो दोस्तों शतकों के महारिकॉर्ड की बदौलत ही रोहित शर्मा के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।